दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे कि गौतम बुद्ध ने आखिर वो कौन से 10 ऐसे लक्षण बताए हैं जिनसे मनुष्य का पतन निश्चित है। ये ऐसे लक्षण हैं जो मनुष्य को बर्बादी की ओर लेकर जाते हैं, तो इसे समझने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। एक बार गौतम बुद्ध सारस्ती नगर में ठहरे हुए थे। जब रात काफी बीत चुकी थी तब एक देवता, जिसकी वजह से सारस्ती नगर बहुत ही ज्यादा प्रकाशित हुआ था, वो देवता तथागत के पास आए और उनके बगल में खड़े होकर तथागत से निवेदन किए कि हे तथागत, मैं आपकी सेवा में एक प्रश्न पूछने के लिए आया हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर आदमी का पतन कैसे होता है। गौतम बुद्ध ने फिर उसे मनुष्य के पतन के कारणों का 10 लक्षणों में वर्णित किया। जिस प्रकार उन्नति करने वाले लोगों के लक्षणों को जाना जा सकता है, ठीक उसी प्रकार जो आदमी पतन की ओर जाता है उसका लक्षण भी आसानी से दिख जाता है। जो धम से प्रेम करता है वो उन्नति की ओर जाता है, ठीक उसके विपरीत जो धम से प्रेम नहीं करता उसका पतन निश्चित है, और ये मनुष्य के पतन का पहला कारण है। बुरी संगति रखने वाले लोगों का भी पतन बिल्कुल निश्चित है, और ये पतन का दूसरा कारण है। जिसे गप्पे मारना अच्छा लगता है, जो परिश्रमी नहीं होता, जो सुस्त होता है, जो क्रोधी होता है, ये उस इंसान के पतन का तीसरा कारण है। जिसके पास पैसे रहने के बावजूद भी अपने बूढ़े माँ बाप का सही से पालन पोषण नहीं करता, ये उसके पतन का चौथा कारण है। जो झूठ बोलकर किसी भले आदमी या ब्राह्मण को ठगने की कोशिश करता है, ये मनुष्य के पतन का पांचवा कारण है। आगे गौतम बुद्ध बताते हैं कि जो आदमी बहुत संपत्ति रखता है, जिसके पास बड़ी मात्रा में धन है, और वो इंसान इसे अकेले भोगने की कोशिश करता है, ये उसके पतन का छठा कारण है। जो आदमी शराबी होता है, जो जुआरी होता है, और जो कुछ भी उसके पास है वो उसे ऐशो आराम में बिताता है, ये इंसान के पतन का सातवां कारण है। जो अपनी स्त्री से संतुष्ट ना रहकर वेश्याओं और पराई स्त्री के पास जाता है, ये मनुष्य के पतन का आठवां कारण है। जो आदमी अपने घर के फिजूल खर्च करने वाले को घर चलाने का अधिकार दे देता है, तो उस आदमी और उस घर का पतन होना निश्चित है, और ये उस मनुष्य के पतन का नौवा कारण है। जो क्षत्रिय है या कम साधन रखते हुए उसकी बहुत महत्वाकांक्षाओं के कारण राजा बनने की आकांक्षा रखता है, ये उसके पतन का दसवा कारण है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि हे देव, अगर तुम इन 10 लक्षणों से बचे रहोगे तो तुम्हारा पतन कभी भी नहीं हो सकता। तो अगर आप लोगों को भी एक सुखी और खुशनुमा जीवन जीना है तो बुद्ध की बताई हुई ये 10 बातें याद रखें और इसे अपने जीवन में जरूर उतारें।